आशा वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है गेट अन रेडी विद मी। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि मैं मेरे मेकअप्स को कैसे मेरे फेस से निकालती हूँ और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसका क्या स्टेप है। एक गेट अन रेडी विद मी, गेट रेडी विद मी आपने बहुत बार देखा होगा मेरा, बट गेट अन रेडी विद मी शायद से एक बार देखे होगे, सेकेंड टाइम मैं बता रही हूँ कम्प्लीटली इन डिटेल। तो गेट अन रेडी विद मी ये है कि मैं एक एक करके मेरा मेकअप रिमूव करूँगी। आपको एंटायरली आपको देखने मिलेगा कि नेचुरली कैसे हम मेकअप रिमूव करते हैं, उनका रूटीन भी हो जाएगा और गेट अन रेडी विद मी मेरा सारे मेकअप्स भी इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फेस में आप देख सकते हो बहुत टर्न्स ऑफ मेकअप है। तो ये वाला मेकअप को मैं करती हूँ जॉनसन बेबी ऑयल। तो जॉनसन बेबी ऑयल इसके लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा वाटरप्रूफ मस्कारा है, तो उसको ये ईजिली जितने भी वाटरप्रूफ से जिद्दी वाटरप्रूफ क्यों ना हो, ये जॉनसन निकाल देता है सारे मेकअप को। तो इसके लिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा लूँगी मेरे हाथों में और कुछ थोड़ा इतना अमाउंट लूँगी एंड इसको मेरे हाथ में अच्छे से मैं रब करूँगी। पहले ऐसे थोड़ा वार्म करूँगी इसको एंड फिर मैं मेरे आईज में तो मेरे आईज मेकअप आप देख सकते हो रिमूव हो गया और मैं एक पांडा की तरह लग रही हूँ। तो अभी ये वाला पोर्शन है, ये वाला हाथ इसको मैंने यूज़ किया बट ये हाथ अभी तक क्लीन है। तो मैं क्या करूँगी, अभी मेरे चिक्स में जब सब जगह तो मैं मेरा लिप्स के मेकअप भी निकाल लूँगी एंड मेरे चिक्स पे भी अच्छे से मेरे पाम से ही सर्कुलर मोशन में मैं अच्छे से इसको मसाज करूँगी। मसाज करने के साथ ही साथ ये रिमूव भी हो जाएगा, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है एंड सारे मेकअप भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं और वाटरप्रूफ मेकअप भी ईजिली इस जॉनसन बेबी ऑयल से निकलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मेरा हमेशा मेकअप रिमूवल ही होता है। लंदन रिफ्रेशिंग फेस वेट वाइप्स यूज़ कर रही हूँ मेरे फेस में। आप देख सकते हो कितने सारे मेकअप्स आ गए इसमें। तो अभी ये साइड से मैं इसका फेस का जो चिक्स का फाउंडेशन वगैरह जो भी अप्लाई किया वो निकालूंगी। लिप्स का भी रिमूव कर रही हूँ। लैक्मे ब्लश एंड ग्लो स्ट्रॉबेरी जेल फेस वॉश, इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, आप चाहे तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हो। और इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्लिंजर क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा जो भी मेकअप्स हो गए सब कुछ, जो भी डर्ट्स वगैरह सब कुछ इसके थ्रू रिमूव हो जाए। तो इतना सा ली हूँ, अभी अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ। तो अब मेरे फेस को वॉश करके आती हूँ। वॉश कर लिया है, अब मैं टिश्यू से मैं इसको ड्राई कर दूँगी। आप चाहे तो टॉवल जो भी आपको देना है टिश्यू से ट्राई कर लिया। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सफोलिएट। एक्सफोलिएट आप चाहे तो कर सकते हो बट मैं वीकली ट्वाइस में करती हूँ, तो आप चाहे तो कर सकते हो या फिर आप वीकली ट्वाइस करो, वंस करो, बट रेगुलरली एक्सफोलिएट नहीं करना चाहिए। तो मैं एक्सफोलिएट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप कर सकते हो। तो ये क्ले मास्क है ये नीमली का क्ले मास्क है जो मेरा ग्लैमिगो बॉक्स में से मुझे मिला था। तो इसको मैंने स्टोर करके रखा हुआ है इसमें, तो इसको मैं मेरे फेस में अप्लाई करूँगी एज अ मास्क बना दिया। इसको बस रोज़ वाटर में इस पाउडर को डाल के बस मिक्स की हूँ। अब मैं इसको मेरे फेस में अप्लाई करूँगी। मैंने अप्लाई कर लिया, कुछ मैं वेट करूँगी 8 to 10 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए। फिर ड्राई हो जाएगा तो मैं मेरा फेस वॉश करके आऊँगी। चुका आप देख सकते हो मेरे फेस में बस इतना सा सेक्शन बाकी है, ये भी ड्राई हो जाएगा। ये जैसे ही ड्राई हो जाएगा मैं फेस वॉश करके आपको बताऊंगी। तो भी लेफ़्ट ओवर जितने भी अभी मेकअप बाकी होंगे, हमारे स्किन में विजिबल तो नहीं होगा बट होंगे, वो सब कम्प्लीटली रोज़ वाटर निकाल देती। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एसपी का रोज़ वाटर और मैं इसे थोड़ा सा कॉटन पैड पर लेके मैं मेरे फेस में अप्लाई करूँगी। तो अब मैं मेरे फेस में अप्लाई करूँगी ये। इससे क्या होता है कि जो भी मेकअप हमारा बच गए क्लिनजिंग और मेकअप रिमूव करते वक्त, तो उस सब ये रोज़ वाटर इजीली निकाल देता है, टोनर इजीली निकाल देता है। तो इसके लिए इसको बस कुछ 5 सेकेंड्स के लिए मैं इसको ड्राई होने दूँगी और जैसे ही ड्राई हो जाएगा फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगी। 5 सेकंड हो चुका है, ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेरा हमेशा का रहता है, मेरा नाइट टाइम में मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होती है एक मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं बहुत सारे मॉइस्चराइज़र ट्राई करती हूँ, जैसे निविया हो गया, जॉनसन बेबी क्रीम मॉइस्चराइज़र हो गया, वैसे में बहुत सारे मॉइस्चराइज़र। एक DIY मॉइस्चराइज़र भी है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं ट्राई करती हूँ ऑलवेज़ अप्लाई करने का। तो ये है गाइज DIY मेरा मॉइस्चराइज़र जो मैं अप्लाई करती हूँ मेरे फेस में। आप चाहे तो कोई भी मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर सकते हो। ये मेरा बहुत मुझे पसंद है, पहले से मैं अप्लाई करती हूँ, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा अमाउंट लूँगी और इसका मैंने ऑलरेडी मैं इतना सा अमाउंट लूँगी और मेरे फेस में अप्लाई करूँगी। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ इसके बारे में, इसको कैसे घर पे बनाते नाइट क्रीम। तो ये मेरा नाइट क्रीम है, इजीली घर पे बनाते हैं। इससे इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा ब्राइटर करता है, आपके सन टैन को रिमूव करता है, आपके स्किन को ग्लोइंग करता है, मॉइस्चराइज रखता है। और मॉइस्चराइजर जब हम अप्लाई करते हैं इतना ध्यान रखना है, जैसे हम अप्लाई करेंगे उसके साथ साथ हम इसको मसाज भी कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं ऑलवेज जब भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ मैं उसको मसाज भी करती हूँ। सो मॉइस्चराइज़र अप्लाई हो गया गाइस मेरे स्किन में। अभी मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो वाला है, वो है आइसलैंड किस, ये वाला लिप बाम जो मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाई कर लिया, इसलिए इससे मेरा गेट अन रेडी विथ मी ख़त्म होता है। तो यही है गाइज मेरा नाइट टाइम का मेकअप रूटीन, ये मेकअप रिमूवल रूटीन जो मैं जॉब से आ जाती हूँ, जो भी मेरा फेस में एंटायर मेकअप में अप्लाई करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, इस सारे प्रोसीजर को यूज़ करते हुए मैं नाइट टाइम में मेकअप निकालती हूँ। तो गाइज यही था मेरा गेट अन रेडी विथ मी, कुछ बहुत ही ईजी जो घर पर जो हमारे पास है, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ जो मैं करती हूँ। सो गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब पे नीचे एक बेल बटन होगा उसे भी हिट कर दीजिए। सो वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड गाइस, टिल देन बाय, टेक केयर, बाय बाय।